नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूं फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में एक बेहतरीन जड़ी बूटी के बारे में आपको बता रहा हूं। ये जड़ी बूटी है कुकरोंदा। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति के अनमोल खजाने में ऐसी कई प्रकार की विशिष्ट प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है जिनकी हमें जानकारी नहीं होती। हमारे आसपास में होते हुए भी ये पेड़ पौधे के बारे में जानकारी न होने के कारण इसके गुण और फायदे से हम अनजान ही रहते हैं। हमारे आसपास में कितने ही ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सक्षम होते हैं, लेकिन इसकी जानकारी न होने के कारण हम इसका फायदा नहीं उठा सकते। दोस्तों एक ऐसा ही पौधा है कुकरोंदा का। दोस्तों ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये कुकरोंदा का पौधा है। इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं और ये पौधा 1 से 3 फीट तक ऊंचा होता है। ये पौधा बहुवर्षायु होता है और सीधा बढ़ता है। शुरुआती दौर में इसके पत्ते मूली के समान लगते हैं। इस पौधे में अजवाइन जैसी गंध होती है। दोस्तों इस पौधे पर पीले रंग के पुष्प होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो कुकरोंदा स्वाद में कटु तिक्त उष्ण प्रकृति का, पचने में हल्का और लुक्स होता है। ये कफ को मिटाता है, मुंह के रोग दूर करता है, पेट का दर्द मिटाता है और दाह तथा तृष्णा का निवारण करता है। इस पौधे का सारा पंचांग तिक्त स्तंभन सोथग्न और आँखों के लिए हितकारी तथा पाचक होता है। ये अर्श और बवासीर की रामबाण औषधि है। दोस्तों इस पौधे का संस्कृत नाम कुकुंदर और सूक्ष्म पत्र है। हिंदी में कुकरोंदा और कुकुरवंदा कहते हैं। इसे गुजराती में कलार और कपूरियो कहते हैं। नेपाली में बुंगी से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम ब्लूमिया लेसेरा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कुकरोंदा का उपयोग औषध कार्य में किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों जिन लोगों को उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद हो गए हैं इनके लिए कुकरोंदा बहुत फायदेमंद है। इसके लिए कुकरोंदा के ताजे पत्तों का रस निकालें और उसमें 4 भाग पानी मिलाएं। अब इसका क्वाथ बनाकर सिर धोए। दोस्तों आप देखेंगे कि इसके कुछ दिन प्रयोग करने से ही बालों का सफ़ेद होना बिल्कुल बंद हो जाता है। दोस्तों ये औषधि आँखों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इसके लिए इसके ताजे पत्तों का रस निकालकर अच्छी तरह से छानकर इसमें फिटकरी घिसकर अंजन करें। इस प्रयोग से आंखों में होने वाला झाला मिटता है और आंखों की फूली दूर होती है। दोस्तों जो लोग कफ से पीड़ित है ऐसे लोगों को कुकरोंदा के ताजे पत्तों के साथ समान मात्रा में शहद मिलाकर पीना चाहिए। इस प्रयोग से कफ विकार दूर हो जाते हैं। जिन लोगों को आंतों में कृमि हो गई है, पेट में कीड़े हो गए हैं ऐसे लोगों को इसके ताजे पत्तों का रस निकालकर 15 से 20 मिली की मात्रा में सुबह खाली पेट 2 से 3 दिनों तक सेवन करना चाहिए। इससे पेट की कृमि नष्ट हो जाती है। दोस्तों कुकरोंदा के ताजे पत्तों का रस निकालकर छोटे बच्चों की गुदा में लगाने से पेट की कृमि मिट जाती है जिसे चुन्ना रोग कहा जाता है। दोस्तों कुकरोंदा अर्श और बवासीर की एक रामबाण औषधि है। इसके लिए कुकरोंदा के ताजे पत्तों का रस 5 मिली की मात्रा में निकालकर साथ में काली मिर्च का चूर्ण लगभग 500 मिलीग्राम मिलाएं। अब इसे रोजाना खाली पेट दिन में 2 बार सेवन करें। दोस्तों इसके 4 से 5 दिनों के प्रयोग से ही खूनी बवासीर नष्ट हो जाता है। दोस्तों जिन महिलाओं के स्तनों में सूजन आ गई हो तो ऐसे में कुकरोंदा के ताजे पत्तों का रस निकालकर उसमें जौ का आटा मिलाकर गुनगुना करके लेप लगाएं। 2 से 3 दिनों तक ये करने से स्तनों की सूजन उतर जाती है। जिन लोगों को सर्दियों के मौसम में जोड़ों का दर्द परेशान कर रहा हो तो ऐसे में कुकरोंदा के ताजे पत्तों का रस निकालकर गुनगुना करके प्रभावित स्थान पर लगाना चाहिए। इससे जोड़ों में होने वाली सूजन और दर्द का निवारण होता है। दोस्तों इस जड़ी बूटी के पत्तों को घाव पर लगाने से न भरने वाले घाव भी शीघ्र भर जाते हैं और अगर घाव में खून बह रहा हो तो इसे लगाने से शीघ्र ही खून बंद हो जाता है। दोस्तों कुष्ठ रोग में कुकरोंदा के पत्तों के साथ समान मात्रा में मूली के बीजों को पीसकर लगाना चाहिए। इससे कुष्ठ रोग नष्ट होता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।